आज हम दो कलर की पट्टियों से एक डोरमेट बनाएंगे। इन पट्टियों की चौड़ाई 5 इंच ली गई है। ब्लू कलर की पट्टी का एक हिस्सा लेते हैं और उस हिस्से पर नोट लगाकर एक लूप तैयार कर लेते हैं। लूप के अंदर से साड़ी का पीस धीरे धीरे निकालते हुए 11 नोट लगाएंगे। 11 नोट लगाकर एक रस्सी की गुथाई कर लेते हैं। इस प्रकार 11 नोट लगाकर एक रस्सी की गुथाई कर ली है। लास्ट में जो लूप बनी है उसके अंदर साड़ी का पीस निकालकर उसको क्लोज कर देते हैं और एक रेड कलर की पट्टी लेते हैं और रस्सी के पास में अटैच कर देते हैं सुई धागे की सहायता से। रेड कलर की पट्टी को सपोर्ट में लेंगे और ब्लू कलर की पट्टी से डोरमेट की गुथाई करेंगे। एक फंदे में से एक ही फंदा निकालेंगे इस लाइन में। गोलाई में जरूरत के अनुसार एक फंदे में दो फंदे भी ले सकते हैं, तीन फंदे भी ले सकते हैं और एक फंदा भी ले सकते हैं जरूरत के अनुसार। इसमें एक फंदे में दो फंदे ले रहे हैं गोलाई में। अब सीधी लाइन में एक फंदे में से एक फंदे लेते हुए गोलाई पर आ गए हैं। अब गोलाई में एक फंदे में से दो फंदे निकालेंगे। एक फंदे में से दो फंदे निकाल रहे हैं। अब एक फंदे में से एक फंदे को निकाल रहे हैं। एक राउंड पूरा होने के बाद में रस्सी के चारों तरफ एक राउंड पूरा होने के बाद में रस्सी को चेंज कर लेते हैं और एक फंदे में से एक फंदा निकालेंगे इस राउंड में और गोलाई में जरूरत के अनुसार एक फंदे में से दो फंदे भी ले सकते हैं, तीन फंदे भी ले सकते हैं, एक फंदा भी ले सकते हैं और सीधी लाइन में भी जरूरत के अनुसार फंदे एक की बजाय दो भी ले सकते हैं। अब एक फंदे में दो फंदे ले रहे हैं गोलाई में। सीधी लाइन होने के बाद में एक फंदे में एक फंदे डाल रहे हैं। अब दूसरा राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं और एक फंदे में से एक फंदा निकालते हुए राउंड को शुरू कर रहे हैं। पूरा राउंड होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं और एक फंदे में से एक फंदे को निकाल रहे हैं।
हर बार राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर रहे हैं। गोलाई में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं ग्रुप के अनुसार। यहाँ पर एक फंदे की ग्रुप है तो एक फंदा निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक फंदे की ग्रुप है तो एक फंदा निकाल रहे हैं, और यहाँ पर दो फंदों की ग्रुप है तो दो फंदे निकाल रहे हैं, आगे एक फंदे की ग्रुप है तो एक फंदा निकाल रहे हैं। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं और एक फंदे में से एक फंदा निकाल रहे हैं, राउंड को शुरू कर रहे हैं। गोलाई में आ गए और एक फंदे में से दो फंदों निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक फंदों की जरूरत है तो एक फंदा निकालेंगे, यहाँ पर एक फंदे की जरूरत है एक फंदा ही निकालेंगे, यहाँ पर एक फंदा की जरूरत है एक फंदा निकालेंगे, यहाँ पर दो फंदों की जरूरत है तो दो फंदा निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक फंदों की जरूरत है एक फंदा निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक फंदों की जरूरत है एक फंदा निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक फंदों की जरूरत है एक फंदा निकाल रहे हैं। इस पर पूरा राउंड हो गया और राउंड पूरा होने के बाद पट्टी को चेंज कर देते हैं और एक फंदे में एक फंदा निकाल रहे हैं इस राउंड में। और बीच में भी फंदों की जरूरत पड़ सकती है तो एक फंदे में दो फंदे भी ले सकते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। पट्टियों को ज्यादा लूज भी नहीं रखना चाहिए और ज्यादा टाइट भी नहीं, मीडियम साइज की खिंचाई करनी चाहिए। पट्टियों की मीडियम साइज की खिंचाई करनी चाहिए, न ज्यादा लूज में और न ज्यादा टाइट में। इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है।